हेलो गाइस, आज मैं आपको अपने घर के सामने वाले पार्क में बकरे दिखाऊंगा जो इस बार ईद के लिए आ चुके हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। इसके बहुत ही बड़े बड़े सींग हैं और इसका साइज इसके सींगों से भी छोटा है। इसके सींग इसके साइज से बड़े हैं और इसके इतने बड़े बड़े बाल हैं। इसके सींग भी बहुत बड़े हैं, लगता है ऐसे जैसे एकदम से मारेगा, लेकिन है छोटा सा, मासूम सा, नहीं मारता। तो अब हम इस वाले को देखते हैं। ये वाइट है और अभी खाने में लगा हुआ है। ये ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बकरों से। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मुझे लगा है। अगर आपको भी इसकी तरह अपनी स्किन सिल्की सिल्की करनी है तो आपको भी अपनी स्किन की हिफाजत करनी होगी। अब अगले वाले भी चलते हैं। ये अगला वाला भी छोटा सा ही है। ये इन्होंने पांच बकरे लिए, लेकिन इतने छोटे छोटे लिए हैं। और ये अभी गंदा हुआ हुआ है, क्योंकि अभी ये बैठा हुआ था और नीचे गंद पड़ा हुआ है, इसके वजह से गंदा हुआ हुआ है। तो फिर अगले वाले भी चलते हैं। ये मुझे पार्क में सबसे ज़्यादा छोटा बकरा लगा है। इसके सींग भी बिल्कुल गोल गोल है, लेकिन इसका गोश्त बहुत होगा। इसके कान भी अब तक पूरे नहीं आए, छोटे थे। फिर इस वाले को देखते हैं। ये हमारे बकरे से शायद थोड़ा सा ही छोटा होगा, लेकिन इसके सींग बड़े हैं हमारे बकरे से और कलर भी डिफरेंट है। ये इसके बाद चलिए वाइट गुंडा। ये मैं इससे ज़्यादा खरीद लिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा है और ये हमारे दुम्बे की तरह वाइट है, लेकिन हमारे दुम्बे से थोड़ा सा बड़ा है। ये वाला ब्राउन देखते हैं, ये भी बिल्कुल ही उसी की तरह से ना, सिर्फ कलर डिफरेंट है। और ये भी बहुत प्यारा है। पूरे दिन में ये बस आवाज़ें निकालता रहता है, बैठा करता रहता है, सब ज़्यादा पार्क में शोर यही करता है। और इसके बाद है हमारा बकरा मिस, जो है मेरा फेवरेट। और ये है हमारा बकरा सुल्तान, जो कल कुर्बान हो जाएगा, क्योंकि कल ईद है। और एक और भी है हमारा एक दुम्बा, जो हम आज ही लाए हैं। ये थोड़ा डरता है, मारता बिल्कुल भी नहीं है और थोड़ा डरपोक है, इसलिए हम इसे घुमाने भी नहीं लेके जा सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। इसके बाद जो लोग अपने घर से बाहर लाए हुए थे इधर पार्क में बकरे, वो अपने घर में ले गए, क्योंकि अभी हो चुके बहुत सारी रात और अभी बज रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं, इसलिए लोग अपने घर ले गए, लेकिन हम नहीं लेके जाते, हम पूरी रात उधर ही रहते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।